सभी प्रशिक्षार्थियों का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं चरणजीत वर्मा ये 92 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की डिक्टेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। दस सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। एकाग्रता से डिक्टेशन लिखें। रेडी? यस। उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी यह मानते हैं कि आज ऐसे समय में जबकि देश के सामने बहुत सारी कठिन समस्याएं हैं, यह सदन इन सभी कठिनाइयों व एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो बयान इस सदन में दिया है और जो अपील उन्होंने राष्ट्र के नाम प्रसारित की है, उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि हम हिंदुस्तानवासी शांति चाहते हैं और हमने बराबर हर कीमत पर शांति को बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन सहन करें या अपने राष्ट्र की कोई भूमि किसी को देकर के शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। प्रधानमंत्री जी ने सदन के सामने जो बयान दिया है और जो आंकड़े सदन के सामने रखे हैं, सचमुच उनसे यह साफ प्रकट हो जाता है कि हमारी जिन सीमाओं का आज पाकिस्तान अतिक्रमण कर रहा है, वे सीमाएं और वह भूमि सारी हमारी है। इस पर पाकिस्तान का जो रवैया है, वह कोई नई बात नहीं है। हमने बराबर पाकिस्तान की ओर हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान ने बराबर उस हाथ को काटने का प्रयत्न किया है। देश के बंटवारे के समय से लेकर आज तक हमने बराबर हर प्रश्न पर और हर विषय पर दोस्ती से साथ निभाने का पूर्ण प्रयत्न किया है, चाहे पाकिस्तान का रुख किसी भी प्रकार का क्यों न रहा हो। देश के बंटवारे के समय हमने पाकिस्तान के साथ में जो समझौता किया, उसके अनुसार हमने पाकिस्तान को उसके हिस्से से भी अधिक दिया। उसके बाद भी जब जब कोई प्रश्न हमारे सामने आए, हमने उनको उचित तरीके से हल करने का प्रयास भी किया। आज भी पाकिस्तान की तरफ हमारा करोड़ों रुपए का कर्ज है, जिसको पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव ही रखा है। आज तक जो रुख पाकिस्तान अख्तियार करता रहा है, अगर वही रुख हम भी अख्तियार करते तो हम नहर के पानी को बंद करके पूरे पाकिस्तान को वीरान
कर सकते थे, किंतु हमने ऐसा नहीं किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आसाम सीमा क्षेत्र है, पाकिस्तान की उस पर निगाहें हैं, पाकिस्तान आसाम को लेना चाहता है और पाकिस्तान बार बार किसी भी तरीके से आसाम को लेने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान की रचना की गई थी, जिस मुस्लिम आबादी के सिद्धांत पर जोर देकर वह पाकिस्तान बनवाने में कामयाब हो गया, उसी को लेकर आज वह यह चाल चल रहा है। साजिशों में लगा हुआ है कि इन क्षेत्रों को अगर वह मुस्लिम क्षेत्र बनवाने में सफल हो जाए तो पाकिस्तान को फिर से एक मौका मिलेगा। ऐसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों पर अपना अधिकार करने के लिए यह आज साफ तौर पर मानी हुई बात है। आसाम की सरकार और केंद्रीय खुफिया तंत्र ने भी स्वीकार किया है कि पाकिस्तान बड़े योजनाबद्ध तरीके से अपने यहाँ की मुस्लिम जनता को आसाम के अंदर भेज रहा है और वह सब प्रकार से इन घुसपैठ करने वालों को सहयोग भी दे रहा है। आज पाकिस्तान के साथ ही चीन की साठ गांठ है। आज ब्रह्मपुत्र की घाटी आसाम को दो स्पष्ट भागों में बांटती है। चीन ने नेफा पर आक्रमण किया है। नेफा के संबंध में उसके दावे अभी तक खत्म नहीं हुए। आज भी आसाम के ऊपरी भाग पर ब्रह्मपुत्र की ऊपरी घाटी पर और आसाम के दक्षिणी भाग पर कम्युनिस्ट चीन की आंखें गड़ी हुई हैं। अध्यक्ष जी, आज पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की ऐसी कोई सीमा नहीं है जो लांघी न गई हो। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक औद्योगिक क्षेत्र में अशांति बढ़ गई है, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, शिक्षकों के लिए कठिनाइयां हो रही हैं, छात्रों में दंगल मच रहा है, ऐसी परिस्थिति में पश्चिम बंगाल की अशांति जीवन के लिए खतरा पैदा कर रही है। यह सही है कि अगर आगे के कुछ दिनों के अंदर हमने वहां की शांति व्यवस्था को मजबूती से हाथ में न लिया, उसको सुधारा नहीं, तो आप पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं करवा सकेंगे। और अगर वहां होंगे भी तो सही परिणाम न दे सकेंगे। पिछले 6 महीनों में जितनी समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रपति शासन के माध्यम से प्रयत्न किया गया, उसमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हम जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते। मैं समझ सकता हूं कि वहां की सरकार ने अपने समय में घेराव द्वारा कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। ऐसा लगता है कि अराजकता पैदा करने के लिए एक अलग ही अनियंत्रित परिस्थिति पैदा हो रही है और लोगों को लग रहा है कि यही एक रास्ता है
जिससे हम इन परिस्थितियों को हल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद राजस्थान और देश के अन्य भागों में सभी अन्य प्रांतों में अराजकता की हवा फैलने लगी है और यह हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पश्चिम बंगाल में अगर कानून सम्मत और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार कायम नहीं रहती तो निश्चित बात है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए और अच्छे ढंग से चलाया जाना चाहिए। स्टॉप। सभी प्रशिक्षार्थियों को एक बार फिर सलाह देता हूं कि डिक्टेशन लिखने के बाद इसका लिप्यंतरण करने का प्रयास भी करें। अंत में सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।